बर्फीली ऊंचाइयों से गुजरती भारत चीन सीमा, विकटतम परिस्थितियों में हर पल मुस्तैद इन शूरवीरों का कोई सानी नहीं। समुद्र से 18,000 फीट की ऊंचाई, रगों का खून जमाने वाली ठंड, जहां सांस को सांस नहीं आती, वहां ये जवान सख्त हालात से भी सख्त इरादों के साथ हिम्मत और दृढ़ता को एक नई पहचान दे रहे हैं। लद्दाख से अरुणाचल तक सीमा पर डटे, हरदम निगहबानी करते ये जांबाज सीमा प्रहरी कर्म निष्ठा को नए आयाम दे रहे हैं। ये हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, यानी ITBP के हिमवीर। शौर्य, दृढ़ता, कर्म निष्ठा की जीवंत मिसाल। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का गठन सन 1962 के भारत चीन युद्ध से जुड़ा है। युद्ध के दौरान भारत और तिब्बत की खुली सरहदों पर पैनी नजर रखने के उद्देश्य से मात्र 4 बटालियन से इस बल का गठन किया गया। शुरुआती दौर में इसको फ्रंटियर राइफल्स के नाम से जाना जाता था। 1978 में ITBP का पुनर्गठन हुआ और 1987 में कलर्स मिलने के बाद बल का नया अध्याय शुरू हुआ। आज ITBP की 60 बटालियनों में तकरीबन 90,000 कर्मी, 5 राज्यों से गुजरती 3,488 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा की हिफाजत और देश भर में अन्य सुरक्षा ड्यूटी करते हैं। उत्तराखंड में चीनी सरहद के नजदीक तेजी से बदलता मौसम हिमवीरों के लिए एक नई चुनौती लेकर आया है। इन्हें जल्द ही पेट्रोलिंग पर निकलना होगा ताकि दुश्मन खराब मौसम का फायदा उठाने की कोशिश न कर सके। शाम हो चुकी है, रात यहीं काटनी होगी। ऑक्सीजन की कमी, बर्फीली हवाओं और घनघोर अंधेरों से लड़ते हुए जिसे दुनिया एडवेंचर कहती है, ये ITBP के जवानों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी है। सैकड़ों किलोमीटर दूर हिम्मत को चुनौती देती लद्दाख की सीमावर्ती चौकी, यहां भी बर्फीली चादर को चीर कर बढ़ते हुए ITBP के ये जवान अपने सेवा भाव और ड्यूटी से कभी नहीं चूकते। सीमा पर हर गतिविधि पर हर लम्हा पैनी नजर। वहीं दूसरी तरफ हजारों मील दूर अरुणाचल के जंगलों में भी ये सीमा प्रहरी अपने कर्तव्य निर्वाह से पीछे हटे ये मुमकिन नहीं। इन घने जंगलों में ITBP के चट्टानी इरादों वाले जवान बखूबी अपना कर्तव्य निभाते हैं। शॉर्ट और लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग सीमाओं की सुरक्षा का आधार है, लेकिन 9,000 से 18,700 फीट की ऊंचाइयों पर ये काम आसान नहीं होता। बर्फीले रास्ते पार करना, अनजानी राहों पर आगे बढ़ना, तेज बहती नदियों की चुनौती, कभी पर्वतारोही बनना तो कभी दुश्मन का सामना, इसके लिए शरीर के साथ दिल और दिमाग का दुरुस्त रहना बेहद जरूरी है। ITBP एकेडमी मसूरी अफसरों और जवानों की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को विकसित करने में महारत रखती है। यहाँ के अनुभवी प्रशिक्षक एक सामान्य इंसान को कुशल हिमवीर में बदलना जानते हैं। अधिकारियों और जवानों को मौलिक और कमांडो प्रशिक्षण देने के लिए ये अकेडमी प्रसिद्ध है।
एक तरफ आधुनिकतम हथियारों की हर बारीकी सिखलाई जाती है तो दूसरी तरफ विस्फोटकों के प्रभावी उपयोग में कुशल बनाया जाता है। और अगर परिस्थितियां ऐसी हों कि दुश्मन पर बिना हथियार काबू पाना हो तो इसके गुर भी सिखाए जाते हैं। पर्वत हिमवीरों का घर है और पर्वतारोहण उन रास्तों पर चलने का उनका हुनर, जिसके बिना आसमान छूती ऊंचाइयों पर सीमाओं की हिफाजत नामुमकिन है। हरियाणा राज्य में भानु में आईटीबीपी के बेसिक ट्रेनिंग सेंटर में जवानों को बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाता है। पासिंग आउट परेड ट्रेनीज के लिए गौरव का क्षण होता है। विभिन्न विधाओं में पारंगत होने के बाद जवानों को उनकी पोस्टिंग पर भेज दिया जाता है, मीलों दूर भारत चीन सीमा पर। जानवरों को भी ट्रेन करने के लिए भानु में बेहतरीन प्रशिक्षक हैं। यहां श्वान डॉग स्क्वाड का हिस्सा बनकर देश की सुरक्षा में मदद कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों से आए प्रशिक्षु भी इसमें शामिल होते हैं। प्रशिक्षण में अनुभव, व्यावहारिकता और दूरदर्शिता सभी का समावेश किया जाता है। सुदूर सीमाओं पर खच्चरों द्वारा रसद पहुंचाना पड़े तो इसका तरीका भी सिखाया जाता है और घायलों को एनिमल ट्रांसपोर्ट की मदद से नजदीकी अस्पताल तक पहुंचाना मौके पर काफी काम आता है। हिमवीर भारत चीन सीमा के नजदीक किसी भी तरह की प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा में राहत और प्रबंधन के लिए सबसे पहले मौजूद रहते हैं। ऐसी स्थितियों में तुरंत प्रभावी कदम उठाने का प्रशिक्षण NITSRDR में दिया जाता है, जो देश का एक अनूठा प्रशिक्षण संस्थान है। यहां जवानों को रासायनिक, जैविक और नाभिकीय आपदाओं से निपटने के गुर भी सिखाए जाते हैं। उत्तराखंड में स्थित माही डांडा का जंगल वॉरफेयर स्कूल यहां जवानों को जंगल में युद्ध करने की बारीकियों से परिचित करवाया जा रहा है। ये प्रशिक्षण नक्सल विरोधी अभियान और गुरिल्ला जंग में काफी कारगर साबित हुआ है। अप। हिमवीरों को हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों के अनुरूप ढालने के लिए उत्तराखंड के औली में माउंटेनियरिंग एंड स्की इंस्टीट्यूट है। यहां पर बर्फीली परिस्थितियों से निपटने के लिए जवानों को तैयार किया जाता है। हालात की मांग हो तो इन्हें इग्लू जैसे आश्रय में सर्वाइवल हेतु सक्षम बनाया जाता है। दिलेरों में दिलेर को कमांडो कोर्स के लिए चुना जाता है। अरुणाचल प्रदेश के किमिन में चुने गए कमांडो दस्ते को कठोर और अनुशासित दिनचर्या से गुजरना पड़ता है, जहां आराम के लिए कोई जगह नहीं। जो काम आम इंसान के लिए सोच से भी परे है, उस काम को ये कमांडो इत्मीनान से अंजाम दे सकते हैं। विकट बाधाओं को जीतना हो
या फिर किसी भी दिशा से लक्ष्य को भेदना हो या फिर बिना हथियार दुश्मन पर काबू पाना हो, आईटीबीपी के ये कमांडो इतने सख्त प्रशिक्षण से गुजरते हैं कि खौफ भी इनसे खौफ खाता है। सीमाओं की सुरक्षा अनिश्चितताओं के लिए तैयार रहने की मांग करती है, इसलिए हिमवीर कहीं भी हो उनकी दिनचर्या उनको चौकन्ना और फुर्तीला बने रहने के लिए तय की जाती है। सीमाओं पर कोई महिला या पुरुष नहीं, सिर्फ एक जांबाज हिमवीर है जिसे हर पल हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। हिमाचल प्रदेश के इस पोस्ट की सुबह इसकी गवाह है। मेरा जवाबदारी का इलाका इस प्रकार है श्रीमान, सेक्शन सामने 200 बिजली का पोल, इसी की लाइन दूर तक आमरुक, आमरुक थोड़ा बाय 150 आखिरी गोली वह आखिरी दम तक मोर्चा नहीं छोड़ूंगी श्रीमान, जय श्रीमान। उधर हिमाचल की एक बटालियन को कूच करने का आदेश मिला है, वो भी बेहद कम समय में। सारी तैयारियां बिजली की तेजी से पूरी की जा रही हैं और जल्द ही पूरी बटालियन अपने तय समय से पहले तैयार है। अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता गाड़ियों का ये कारवां जवानों की जिंदगी का हिस्सा है, क्योंकि इन्हें कभी भी देश में कहीं भी जाने का आदेश मिल सकता है, चाहे वो सीमा सुरक्षा के लिए हो या आंतरिक सुरक्षा या किसी भी प्रकार की परिस्थिति के लिए। आईटीबीपी तकनीक और परिवहन के क्षेत्र में अपने को लगातार अपग्रेड करती रही है। मुश्किल भौगोलिक स्थितियों के अनुरूप वाहनों का चयन किया जाता है और पहली बार उन्नत एसयूवी वाहन एंडेवर, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो जैसे आधुनिक वाहनों को सीमा सुरक्षा में लगाया गया है। साथ ही बर्फीले इलाकों के लिए स्नो स्कूटर्स भी तैनात किए गए हैं। दुनिया की सबसे दुर्गम सीमा जहां सारे रास्ते बंद हो, वहां पर रसद पहुंचाना कोई आसान काम नहीं। ऐसी चौकियों पर एनिमल ट्रांसपोर्ट के माध्यम से राशन पहुंचाया जाता है। साधन कोई भी हो, मंजिल पर पहुंचना लक्ष्य है तो वो पूरा होगा ही। हिमवीर को हालात पस्त नहीं करते, वो तो हालात के अनुसार खुद को ढालने में माहिर है। आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए बल में युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। बल का महत्वपूर्ण अंग इंजीनियरिंग विंग परंपरागत और स्थानीय गैर परंपरागत सामानों का इस्तेमाल करके निर्माण करने में महारत रखता है। बटालियन से बॉर्डर आउटपोस्ट तक हर जगह इनकी पहुंच है। जवानों की जिंदगी आसान बनाने में जुटा ये विंग लद्दाख में पहली बार अत्याधुनिक बीओपी का निर्माण कर रहा है, जिसमें सभी तरह की सुविधाएं मौजूद होंगी। पोस्ट पर अचानक दुश्मन की गोलीबारी, त्वरित प्रतिक्रिया करते हुए जवानों ने अपना मोर्चा संभाल लिया है। हमले को नाकाम करने की कोशिश करते हुए एक जवान घायल हुआ है। घायल जवान को फौरन चिकित्सीय सहायता की जरूरत है। हर बटालियन के साथ मौके पर मौजूद मेडिकल विंग अपना काम पूरा करने में जुट गया है। भले ही आईटीबीपी के जवान देश के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते, लेकिन आईटीबीपी के लिए हर जवान की जान बेशकीमती है। मेडिकल विंग ये सुनिश्चित करता है कि जरूरत पड़ने पर हिमवीरों को फौरन मदद उपलब्ध हो।
मुश्किल ऊंचाइयों पर तैनात जवानों के लिए दुश्मन से भी ज्यादा खतरा यहाँ की दुरूह परिस्थितियों से होता है। इसीलिए लेह में हाई एल्टीट्यूड मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है। विशिष्ट प्रशिक्षण के अलावा यहां जवानों और अफसरों को भी प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया जाता है। उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए नई दिल्ली के टिगड़ी में बेस हॉस्पिटल है और हाल ही में CAPF के रेफरल हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है, जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के स्तर का है। ITBP की महिला हिमवीरों का ये दस्ता इस मिथक को तोड़ता है कि युद्ध कौशल केवल पुरुषों का क्षेत्र है। भारत चीन सीमा की कई चौकियों पर महिलाओं की तैनाती की गई है। सनबर्न, डिहाइड्रेशन और हाई एल्टीट्यूड की वजह से यहाँ पे सांस का चढ़ना भी होता है। इन सब कठिनाइयों के बावजूद भी अब तो यहाँ पे गर्ल्स भी आ रही हैं साथ में। ITBP अपने बल में महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित करके महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनुकरणीय काम कर रहा है। महिला सशक्तिकरण के प्रयासों के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को निर्भया सम्मान से नवाजा गया है। छत्तीसगढ़ के जोखिम भरे जंगलों और इनमें पसरे नक्सलियों के आतंक से निपटने के लिए भी ITBP को तैनात किया गया है। ITBP ने इस क्षेत्र में सफल अभियानों के लिए ख्याति अर्जित की है। अपने सामान्य कार्य और कार्यक्षेत्र से बिल्कुल अलग इस कार्य में भी ITBP के जवानों ने सिद्ध किया है कि वो सचमुच अद्वितीय हैं। ITBP को समय समय पर विदेशों में सुरक्षा दायित्वों के लिए तैनात किया जाता रहा है। भारतीय दूतावास काबुल और अफगानिस्तान के 4 शहरों में भारतीय वाणिज्य दूतावासों की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में सहयोग करते हुए ITBP ने नामीबिया, कंबोडिया, मोजाम्बिक, बोस्निया हर्जेगोविना, अंगोला, पश्चिमी सहारा, कोसोवो, सियेरा लियोन और कांगो में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्तमान में कांगो में बल का एक दस्ता तैनात है। बल कर्मियों और अन्य संगठनों के कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए UN सिवपोल सेंटर टिगड़ी में स्थापित है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। अभी तक हमने अराउंड 300 अबव मेडल्स जीत लिए हैं और ट्रॉफीज जीत लिए हैं। चुनौतियों और खतरों से खेलना हिमवीरों की आदत बन चुकी है। साहसिक खेलों और अभियानों में ITBP अद्वितीय है। 4 बार एवरेस्ट फतेह से प्रेरित एक नया दल एक नई मंजिल को छूने के लिए निकल रहा है। इस बार नई मंजिल है माउंट धौलागिरी। अरुणाचल के माउंट कांगटो बेस कैंप तक रूट का निर्माण कर एक नया इतिहास रचने वाली ITBP 205 सफल पर्वतारोहण अभियानों को अंजाम दे चुकी है, जो एक रिकॉर्ड है। 2 बार सफल गंगा रिवर राफ्टिंग अभियान इस बल के साहसिक कारनामे अंजाम देने के जुनून की मिसाल है। एडवेंचर स्पोर्ट्स व अन्य खेलों में जवानों की शिद्दत कामयाबी की नई कहानी गढ़ देती है, जैसे आइस हॉकी। इस खेल में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ITBP ने कई बार देश का प्रतिनिधित्व किया है। पैरामिलिट्री का हम एकमात्र टीम है जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का है। इंटरनेशनल इवेंट में हमने पहले बार इंडिया का रिप्रेजेंट किया था। फर्स्ट इंडियन स्कोरर था हमारे बल का। ITBP के जवान अपने इलाकों की जनता के विश्वास को जीतने के लिए लगातार सामाजिक जिम्मेवारी के कार्य करते रहते हैं।
बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम और सिविक एक्शन प्रोग्राम के जरिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे समय समय पर मेडिकल कैंप लगाना। स्थानीय नागरिकों को विशिष्ट प्रशिक्षण देना और अरुणाचल प्रदेश में लड़कियों को आत्मरक्षा में वुशु मार्शल आर्ट की ये ट्रेनिंग। ९४ में सृजित हिमवीर वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन हिमवीरों के परिवारों के कल्याण हेतु प्रोग्राम चलाता है। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाता है कि ये संगठन उनके सुख दुख का भागीदार रहे और उन्हें हर पल सुरक्षा और संरक्षण का आश्वासन मिले। इसके लिए विभिन्न रचनात्मक गतिविधियां लगातार चलती रहती हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के हिमवीर हर क्षण शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा की नई परिभाषा गढ़ते हैं और देशभक्ति को कर्म के सांचे में ढालकर हमें प्रेरित करते हैं। उनकी जांबाजी और जीवंतता को सलाम।